शहजाद जी। अम्मी कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी दोस्त, मोबाइल और आवारा गर्दी, बस इसी के दरमियान घूम रही। भाई लाइफ को थोड़ा सीरियस ले लो, कुछ नौकरी के बारे में सोचो। अरे की तो थी नौकरी के लिए कोशिश, नहीं मिल रही तो क्या करूँ मैं? नौकरी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? जवान जहान हो, हाथ पांव सलामत है। अरे भाई आराम तलबी छोड़ो, कुछ कमाई का इरादा करो ताकि मैं तुम्हारी शादी करूं। शादी के बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है भाई, जब उरूसा थी तो वो घर के सारे काम देख लेती थी, मुझे भी सिलाई का टाइम मिल जाता था। अब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं घर के काम करूं या सिलाई करूं। वैसे भी घर सूना हो गया, बहू आ जाएगी ना तो रौनक हो जाएगी। तो ले आए ना रौनक। वाह जी वाह, ऐसे निकम्मे निठल्ले और बेकार को कोई अपनी लड़की नहीं देता। अरे पहले जरा कमाओ पूत तो बन जाओ। इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ अम्मी, मैं हीरो हूँ। इजाजत दे तो शाम तक 10 लड़कियों की लाइन लग जाएगी घर पे। 10 लड़कियाँ? क्यों, मैरिज ब्यूरो खोलना है? अरे आपको इस जहमत से बचा लिया ना, जब आपको दुल्हन चाहिए होगी बता दीजिएगा, हाजिर हो जाएगी। तुमने लड़की भी ढूंढ ली? हाँ ढूंढ ली है लड़की, अब मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। नाम क्या है उसका, नाम तो बताओ। रात तक बता दूंगा। शहजाद बात कंप्लीट करो। शहजाद लड़का, काम काज कुछ है नहीं और लड़की ढूंढ ली, होगा क्या?